तो कैसे हैं आप सब? आप सब का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि वीडियो में जो आपका बैकग्राउंड नॉइस आता है, बैकग्राउंड जो साउंड मतलब चलते रहता है, वो आपका मतलब वीडियो वो ख़राब कर देता है। दोस्तों, वीडियो आप लोग बनाते हैं तो सबसे मतलब बेहतरीन जो बात होता है मतलब वीडियो के लिए, वो आपका ऑडियो ही खासियत बनाती है। तो दोस्तों, उसी में अगर ये आपका ऑडियो ख़राब है तो आपका वीडियो कामयाब नहीं रहेगा, तो वो वीडियो आपका कोई पसंद भी नहीं करता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को ये भी बतलाऊंगा कि कैसे मतलब कि, और दोस्तों ये बात आप लोग को कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता है, एंड आप लोग को अगर बताता भी है कि मतलब कि वीडियो से नॉइस को कैसे कम करें, मतलब साउंड इफेक्ट मतलब साउंड को अच्छा कैसे बनाएं, तो आप लोग को वो मतलब किसी अन्य ऐप से मतलब कि बतला देते हैं। लेकिन जो मेन अपना करते हैं, जिससे मतलब जो जिस वेबसाइट से वो लोग अपने वॉइस को बेहतरीन बनाते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी का बना लेते हैं, नॉइस बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं, वो आपको वेबसाइट नहीं बताते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि वो सब किस वेबसाइट से मतलब कि नॉइस को ख़त्म करते हैं अपने साउंड में से। एंड आप लोग मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में कोई भी साउंड नहीं आ रहा होगा अभी, एंड यहाँ पर अभी पंखा भी चल रहा है, एंड दोस्तों आगे मतलब कि रोड साइड मेरा घर भी है, तो यहाँ पे गाड़ी चलती रहती है, लेकिन फिर भी हॉर्न वगैरह का मतलब आवाज़ साउंड आता है इस वीडियो में। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कुछ भी आप लोग को साउंड इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा होगा बैकग्राउंड में। तो दोस्तों, आप लोग को भी इसी तरह से वीडियो को बनाना है तो आप लोग, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरा एक वीडियो है यहाँ पर, ये वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, इसमें कितना बैकग्राउंड में मतलब साउंड इफेक्ट है, नॉइस है, मतलब हॉर्न गाड़ी का भी मतलब आपको इसमें आवाज़ मिलेगा। आप लोग यहाँ पर पहले इसको एक बार सुन लीजिए। कर जा, ज़्यादा गुरूर ना कर अपना खूबसूरती पर, तोहरा से निमन निमन ऑर्केस्ट्रा में नाचे ली सन बुझाई। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने सुना कि किस तरह से हॉर्न का भी आवाज़ है, यहाँ पर पंखे का आवाज़ है, साउंड इफेक्ट बैकग्राउंड में भरा पड़ा है। तो इसी को आप लोगों को मैं इस वीडियो में रिमूव करके बतलाऊंगा, एंड आप लोग भी इस तरह से अपने वीडियो का नॉइस ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपके वीडियो में नॉइस बैकग्राउंड साउंड ख़त्म हो जाएगा। आप लोग अगर साउंड मतलब देखते हैं अगर वीडियो अच्छे से, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जिस तरह से मैं बतलाऊंगा बस उसी तरह से कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर अब इसको हम स्क्रीन को यहाँ पर कट करते हैं, एंड उसके बाद अब आप लोग को पहले वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप लोग को एक ऐप मिलेगा यहाँ पर प्ले स्टोर पर, ऑडियो लैब के नाम से, आप लोग जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो टू ऑडियो, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, एंड चलिए हम वही वाला वीडियो अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम ए वाला वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी वाले वीडियो को मैं ऑडियो में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कर जा ज़्यादा गुरूर ना कर अपना। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि वही वीडियो है यहाँ पर, एंड थोड़ा सा नीचे आइएगा, एंड यहाँ पर आप लोग को MP3 यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको आप लोग को फर्स्ट में सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आप चाहे तो यहाँ पर अपना वीडियो का नाम भी चेंज कर सकते हैं पहचान के लिए कि हाँ यही ऑडियो है। तो चलिए यहाँ पर हम एक दो अक्षर और बढ़ाकर लिख देते हैं, एंड उसके बाद थोड़ा सा ऊपर में आप लोग को एक आइकन दिख रहा होगा, आप लोग को यहाँ पर तीर का निशान दिख रहा है, इस आइकन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जस्ट सेकेंड में आपका ऑडियो बनकर रेडी हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों, कर जा ज़्यादा गुरूर ना कर अपना खूबसूरती पर, तोहरा से निमन निमन। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर ऑडियो बनकर रेडी हो गया, वही ऑडियो है यहाँ पर। तो चलिए अब आप लोग को इसको हम मतलब कि नॉइस ख़त्म करके इस ऑडियो से बतलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन को हम कट कर लिए हैं, उसके बाद अब आप लोग को अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है।
यहाँ पर हम अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिए हैं एंड यहाँ पर आप लोग को सर्च बार में लिखना है, यहाँ पर आप लोग को साइड में भी लिखा दिख रहा होगा, इस स्पेलिंग को आप लोग को लिख लेना है, एडोबी पोस्टकास्ट लिखकर सर्च करना है। सबसे पहले आप लोग को वेबसाइट देखने को मिलेगा, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोग को कुछ करना नहीं है, ध्यान से आप लोग बस देखते रहिए एंड इसी जिस तरह से मैं बतलाऊंगा उसी तरह से कीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेते हैं, यानी यहाँ पर देख सकते हैं क्विक टूल्स, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जूम कर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग को इस वेबसाइट पर साइनअप करना पड़ेगा। दोस्तों साइनअप बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आप लोगों को भी पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड देकर भी लॉगिन कर सकते हैं एंड यहाँ पर फेसबुक से भी आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जीमेल से लॉगिन करूँगा अपना, तो मैं जीमेल को सिलेक्ट कर लिया हूँ। जैसे ही जीमेल पर क्लिक कीजिएगा, आप लोग के मोबाइल में जितने भी ईमेल होंगे आप लोग के सामने आ जाएंगे और आप लोग जिस भी ईमेल से लॉगिन करना चाहते हैं बस आप लोग उस ईमेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग उस ईमेल को सिलेक्ट कीजिएगा, चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं अपना एंड जैसे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही अगला इंटरफेस खुलकर आता है कुछ इस तरह से दिखेगा आप लोग के सामने। यहाँ पर देखिए लॉगिन हो चुका है, यहाँ पर साइनअप हम कर लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस है। चलिए यहाँ पर हम आप लोग को जूम कर दिखाते हैं। देखिए यहाँ एक अपलोड का आइकन दिख रहा होगा आप लोग को, इसी अपलोड के आइकन पे आप लोग को क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं एंड फाइल में चले जाते हैं। फाइल में आने के बाद अब आप लोग को वो वीडियो का ऑडियो जो बनाए थे उसको आप लोग को सिलेक्ट करना है। ऑडियो में जाइएगा एंड ऑडियो लैब एक फाइल मिलेगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो टू ऑडियो का एक फाइल मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है एंड देख सकते हैं मेरा फर्स्ट में जो ऑडियो है यही वाला है, तो इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस ऑडियो को। यहाँ पर प्रोसेसिंग होना चालू हो गया है। यहाँ पर एक और आइकन आप लोग को दिखेगा, इसको आप लोग को इनेबल कर लेना है। यहाँ पर चलिए हम इनेबल कर लेते हैं एंड यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर बिल्कुल भी आपके ऑडियो से नॉइस, बैकग्राउंड साउंड या फिर किसी भी तरह का साउंड हो सब रिमूव कर देगा, सिर्फ आपके साउंड रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ टाइम लगता है, आप लोग एक दो मिनट रुक जाइएगा। जैसे ही एक दो मिनट रुकेंगे तो अब आपका यहाँ पर साउंड ये बनाकर दे देता है, बिल्कुल भी नॉइस क्लियर। आप लोग को मैं यहाँ पर सुनाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ऑडियो बनकर तैयार हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आप लोग को सुना देते हैं, पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। करजा ज़्यादा गुरूर ना करा अपना खूबसूरती पर, तोहरा से निमन निमन ऑर्केस्ट्रा। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया कि यहाँ पर कितना फ्रेश यहाँ पर आप लोगों को ऑडियो देखने को मिल रहा है, बिल्कुल भी बैकग्राउंड में कोई भी आप लोगों को इको साउंड नॉइस आप लोग को कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर। अब आप लोग को यहाँ पर सिंपली सी यहाँ पर आप लोग को साइड में दिख रहा होगा एक डाउनलोड का ऑप्शन, इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग के सामने यहाँ पर ऑडियो डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑडियो डाउनलोड हो गया है, यहाँ से भी मैं बजाकर आप लोग को दिखला देता हूँ। करजा ज़्यादा गुरूर ना करा अपना खूबसूरती पर, तोहरा से निमन निमन ऑर्केस्ट्रा में नाचे ली सर। कितना साउंड बेहतरीन बनाकर दिया है ये वेबसाइट। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी यहाँ से फ्री में यहाँ पर अपना नॉइस ख़त्म कर सकते हैं, वीडियो का बैकग्राउंड वीडियो का किसी तरह का आवाज़ हो आप लोग बिल्कुल भी ख़त्म कर सकते हैं। करजा ज़्यादा गुरूर ना करा अपना खूबसूरती पर, तोहरा से निमन निमन ऑर्केस्ट्रा में नाचे ली सर। बुझाइए तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा एंड चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।